Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। रविवार को मानव अधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संस्थान भारत इंदौर द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं शुगर की जांच की गई। इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष महिला रेखा जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम विश्नोई के दिशा निर्देशन में डॉक्टर शिवेंद्र सिंह ने क्षेत्रीय नागरिकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया एवं शुगर की जांच की। यहां रेखा जायसवाल ने जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं क्षेत्रीय लोग मौजूद थे। बीपी बढ़ा है, शुगर और ब्लड की और निःशुल्क जितने भी मतलब सेवाएं डॉक्टर साहब की वो निःशुल्क है यहाँ पर, और निःशुल्क परामर्श भी दिया जा रहा है मरीजों को। और जैसे चिकनगुनिया वगैरह जो भी बीमारियाँ चल रही है उनकी निःशुल्क जांच और ब्लड शुगर की ब्लड चेक करना है, ये निःशुल्क है राष्ट्रीय मानव दिवस के उपलक्ष्य में। अभी तक के हमने स्किन के पेशेंट और जो जनरल पेशेंट होते हैं, खून की कमी वीकनेस, उसमें हमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं कि उनको जानकारी रहती है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, स्वास्थ्य के बारे में निःशुल्क परामर्श दिया गया मेरी तरफ से और उनको दवाइयाँ और हम स्वस्थ कैसे रहें आगे। निःशुल्क हमारी तरफ से दवाइयाँ वितरण की गई, जनरल फीवर वीकनेस, खून की जाँचें, ब्लड प्रेशर, तो उससे हमारे तरफ के जो सेवाएं होती हैं मरीजों को हम अपनी तरह से निःशुल्क परामर्श किए। और हम ये कैंप अपना माह के दूसरे तीसरे संडे करते रहते हैं, संडे हमारी पूरी टीम रहती है। कितने कैंप लगा चुके हो अभी तक? हम लोग कम से कम ये छठवां सातवां कैंप है हमारा और हमारी पूरी टीम है। और अभी मैडम हम लोग की राष्ट्रीय मानव सेवा से जुड़े हैं, तो और आगे हमारा ये है कि बड़ा अच्छा कैंप करना है और अच्छा समाज सेवा के लिए अपने को प्लान कर रहे हैं हम। रिपोर्ट खबर 9। नगर पालिका के माध्यम से राघोगढ़ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराना हमारा लक्ष्य है, यह बात कल पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने जब कही जब वह आने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर वार्ड में भ्रमण के लिए निकले। नगर पालिका परिषद राघोगढ़ विजयपुर के चुनाव निकट में होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनावी जनसंपर्क का शुभारंभ पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने राघोगढ़ नगर के 8 वार्डों का जनसंपर्क किया। लक्ष्मण सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद उम्मीदवारों का चयन प्रजातांत्रिक तरीके से आम मतदाता की सहमति से किया जाएगा। वार्ड 1 में संजय गुणकरी जी पांच जो है पूरे समर्थन है। वार्ड 2 के राघोगढ़ से आकाश सोनी की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि एक सप्ताह पूर्व हरपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वृद्ध व्यक्ति की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या की गई थी, जिसका आज खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि मृतक राकेश लुहानिया के सगे बेटे रंजीत उर्फ जीतू ने अपने दोस्त आशीष सिंह के साथ मिलकर अपने बाप की गड़ासे से गला रेत कर हत्या कर दी थी और खुद ही घटना का वादी बन गया था। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक श्री मिश्र ने खुलासे के लिए टीम गठित कर दी गई थी, जिसका आज खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर मृतक के सगे बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर खेत पर सो रहे अपने बाप का गला काट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आला कत्लेआम गड़ासा भी बरामद कर लिया है। घटना का खुलासा करने वाली टीम को एसपी की तरफ से 5,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। ये राकेश लुनिया हैं जो हरपालपुर के खसौरा गांव के रहने वाले थे और सोते समय खेत में इनकी विगत 1 तारीख हत्या कर दी गई थी। इनका शव बरामद होने के बाद से तब से हम लोग पतारसी में लगे हुए थे कि ये घटना किस प्रकार हुई है। इसके फैमिली डिटेल्स जब निकाले गए तो उसमें पता ये चला कि इसकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत ही पुअर थी और ये आदमी खुद ही अपना खाना बनाता था और पूरे परिवार से अलग रहता था। इसके जो खेत थे करीब 30-35 बीघा के आसपास खेत था, उसको अपने परिवार वालों की इच्छा के विपरीत जो है बेच रहा था और उसका पैसा भी जो है वो अपने ऊपर ही खर्च करता था, बच्चों को कुछ नहीं देता था।
बड़ा बच्चा जो है वो मिलिट्री में भर्ती होना चाह रहा था और उसके लिए उसने कुछ अपने फादर से पैसों की भी मांग कर रखी थी जिसको फादर ने मना कर दिया था। तो अभी ये फिर जो खेत बेचने वाला था जब इस लड़के को पता चला तो इसने मना किया लेकिन वो मान नहीं रहा था, वो एडमिट था बेचने के लिए। इसी बात पर इसने अपने एक फ्रेंड को जो बिलग्राम का रहने वाला है उससे बातचीत की और बातचीत करके घटना वाले दिन इन्होंने जो है ये बांका अरेंज किया खरीद कर और इसको लेकर आकर ये करीब 2 घंटे खेत में बैठे रहे। जब पूरा आवाजाही खेतों की और जो है लोगों की बंद हो गई तो रात में इन्होंने जाके खुद बेटे ने ही मारा है। उसके फ्रेंड ने तो केवल मौके पर वो उपस्थित रहा है, जो है वो घटना में शामिल जरूर रहा है लेकिन हत्या एकमात्र जो उसके बेटे ने। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज कौशलपुरी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा में आज महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सुरक्षा के संबंध में ठोस सार्थक पहल करते हुए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कानपुर SP साउथ अशोक कुमार वर्मा उपस्थित हुए। प्रधान आचार्य गुरप्रीत कौर, टीचर मानविंदर कौर, रविन्द्र कौर उपस्थित रहे। आपको इन सब चीजों के प्रति कॉन्शियस रहना है, डरना नहीं है, शिकायत करना है और अपने विकास के लिए जो आवश्यक है वो सुनिश्चित करवाना है, वो करना है। ठीक है सर, मोबाइल नंबर, मोबाइल SMS वाला नंबर बता। SMS नंबर है 9454410090 और 100 नंबर आप जानते हैं, 100 नंबर है। इसी तरह 1098 एक नंबर है, उसको भी ध्यान रखें। वो उसके लिए चाइल्ड लाइन है, बच्चों की सेवा के लिए, छोटे बच्चे आप जैसे कोई कभी गुम हो जाए तो आप उसमें कर सकते हैं। कानपुर से अवनीश यादव की रिपोर्ट। नौरोजाबाद नगर में भव्य कलश यात्रा 5 नंबर चौराहे के समस्त नगरवासियों के द्वारा आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में निकाली गई, जिसकी शोभा झांकियों द्वारा सुसज्जित कर हमारी भारतीय संस्कृति कला शैली गुदुमत बाजा कला नृत्य को समायोजित किया गया। यह प्रवचनकर्ता सुश्री साध्वी प्राची देवी जी के मुखारविंद से किया जा रहा है एवं यात्रा के दौरान पूरे नगर में भगवा रंग कराया गया। साथ ही राधे राधे जय श्री राम की गूंज पूरे आकाश मंडल में सुनाई दी जिसमें सांसद विधायक सहित नगर के समस्त वरिष्ठ नागरिकों सहित 2000 उपस्थित रहे और कलश स्थापित महिलाओं का जलसा देखने लायक रहा और ऐसा कहा जाता है कि नौरोजाबाद के इतिहास में पहली बार ऐसी कलश यात्रा निकाली गई। नौरोजाबाद से दिलीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। आष्टा जिस उद्देश्य से रेंजर ने चुनिंदे स्टाफ के अधिकारी कर्मचारी चुनकर एक रात्रि गश्त टीम गठित की थी निश्चित ही उस टीम के प्रभारी डिप्टी रेंजर अशोक कुमार साहू जादूगर के नेतृत्व में लगातार वन माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए पिछले 15 दिनों में एक के बाद एक 3 बड़ी सफलता हासिल की जिसमें 4 पहिया वाहन से लेकर मोटरसाइकिल सहित कीमती सागौन की इमारती लकड़ी जब्त कर वन माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वन संरक्षक मनोज अर्गल के निर्देश समय समय पर मार्गदर्शन लेते हुए रेंजर रामनाथ सिंह नागर लगातार स्वयं भी वन माफियाओं पर निगाह लगाए हुए हैं। यही कारण है कि बीती रात भी भवरा से आष्टा की ओर आ रही 2 मोटरसाइकिलों को लगातार पीछा किया गया। आखिरकार वन माफिया जंगल के रास्ते से होते हुए खेत में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास 14 नग सागौन फेंक कर फरार हो गए। रेंजर श्री नागर ने बताया कि 14 नग सागौन के जब्त किए गए हैं जिसकी कीमत लगभग 16,000 रुपए आकी गई है। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। नागर ने बताया कि अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। ये लकड़ियाँ केलेरामा और रिलायंस पेट्रोल पंप के बीच में एक खेत से बरामद की गई है और वन विभाग का अमला रात से बैठा हुआ था तो संभवतः लकड़ी चोरों ने वन विभाग की दबिश को देखते हुए लकड़ी खेत में रखे और फरार हो गया। सर कितने लग नकली है, उसकी कीमत कितनी होगी? 14 नग छिल्लियाँ हैं और लगभग 16,000 रुपए मूल्य की लगती। आष्टा से जाहूर मंसूरी के साथ शेख तजान की रिपोर्ट। सबलगढ़ में किसानों को नहीं मिलाने से किसानों में बीजेपी शासन के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। सूखे के मार झेल रहे किसानों को ना तो भावांतर योजनाओं के पंजीयन हो सके और ना ही किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल सका।
सबलगढ़ की 12 पंचायतों को जिला प्रशासन के सर्व के अनुसार मध्य प्रदेश शासन ने सूखा घोषित होने के बाद भी कोई भी राहत कार्य नहीं किया गया। किसानों की हजारों हेक्टेयर जमीन नहर से पानी न मिलने से बंजर है और ऊपर से खाद का संकट, न ही किसानों को मनरेगा व अन्य योजनाओं का लाभ न मिलने से सबलगढ़ क्षेत्र का अन्नदाता पलायन करने को मजबूर है। रबी की फसल के लिए इस समय किसानों को खाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहले से ही क्षेत्र का किसान सूखे की मार से झेल रहा है, नहरों में पानी नहीं है, भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ नहीं मिल रहा, जमीन बंजर पड़ी है। जो थोड़ी बहुत जमीन रबी की फसल जहाँ बोई गई है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध ना होने से किसान बेहद परेशान है। ऐसी स्थिति में किसानों में बेहद आक्रोश है और पुलिस के पहरे में जो खाद वितरित किया जा रहा है, किसानों के साथ जो अभद्रता की जा रही है वो निंदनीय है। मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को शासन ने अल्प वर्षा के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया, लेकिन ना तो उस क्षेत्र घोषित करने के बाद शासन ने किसानों के हितार्थ ना तो कोई योजनाएं लागू की गई, ना ही उनके लिए कोई सुविधाएं दी जा रही हैं और किसान बेहद परेशान है। तो रामपुर घाटी क्षेत्र की जो 12 पंचायतों में किसानों का बृहद और विशाल आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के में को समाप्त कराने के लिए अनशन पर बैठे और धरना प्रदर्शन कर रहे कृषकों को सांसद अनूप मिश्रा जी द्वारा जो आश्वासन दिए गए थे वो सारे आश्वासन धोते और झूठे साबित हुए। क्या रामपुर घाटी क्षेत्र की 12 पंचायतों में आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का किसान राहत के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। तो अब यहाँ आप जो आए हो वो काय के लिए आए हो? मैं खाद के लिए आया हूँ। कल भी मैंने लाइन लगाई थी लेकिन कल मेरा नंबर नहीं आ पाया, तो आज सुबह ही फिर दोबारा आया हूँ और सुबह से मैं खाद के लिए बहुत परेशान हूँ। और जो भावांतर योजना जो चल रही है गवर्नमेंट की, उसका लाभ आपको मिल रहा है? उसका कोई लाभ नहीं मिला है और पिछले 3 साल से मुझे नहर का पानी भी नहीं मिल पा रहा है और नहर के पानी के बिना मेरी फसल सूख जाती है और मुझे फसल का कोई लाभ नहीं मिल पाता है जो लाभ मिलना चाहिए। और कहीं यदा कदा कहीं लाइट वालों से पानी ले लो हैडपम्प से, या लाइट भी टाइम पे नहीं मिल पा रही है और लाइट के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हम पेमेंट करने में बहुत परेशान हैं और हमारी फसल सूखने के कगार पर है। पिछली फसल जो हमारी हुई उसका भी हमें सही भाव नहीं मिल पा रहा है जिससे हमारी परेशानी और बढ़ गई। सरकार की अगर यही हालत रही तो एक दिन किसानों को बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन से भी सरकार नहीं चेती तो किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस क्षेत्र के किसान बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, सरकार पूरी तरह फेल है। पिछले 5 सालों से हमें बहुत परेशानी हुई है इन सरकार से। मध्य प्रदेश में किसानों की हालत बहुत खराब होती जा रही है, पानी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। यहाँ का मुखिया केवल किसानों पर लाठी बरसा सकता है और कुछ नहीं करवा सकता। अभी हाल ही में फसल हो गई है पर यूरिया खाद नहीं है, आया है केवल एक ट्रक आया वो भी गोदाम में उतरवा दिया है। किसानों में अफरा तफरी मची हुई है और किसी तरह का कोई खाद यहाँ पर उपलब्ध गवर्नमेंट नहीं करा रही है। इससे किसानों को आने वाले समय बहुत ही परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि किसानों को जल्द से जल्द खाद उपलब्ध करा के इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। अंतर जन आंदोलन करने के लिए हमें बात होना पड़ेगा। सबलगढ़ से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय संविधान देता है मानवाधिकार की गारंटी। मानवाधिकार संगठन के तत्वाधान में संगठन से जुड़े सभी सदस्यों ने एकजुट होकर विभिन्न मार्ग से होते हुए नुक्कड़ पर भारतीय संविधान द्वारा जो विशेष अधिकार दिए हैं उसमें व्यक्तित्व के जीवन समानता स्वतंत्रता समान अधिकारों का कोई हनन कर रहा हो तो उसे मानवाधिकार द्वारा बचाया जा सकता है, जिसका आवेदन कुसुम वाटिका कार्यालय में जाकर करना होगा। अधिकार का जो आज रैली निकाली जा रही है ये किस संबंध में निकाली जा रही है? हम अपने अधिकारों को पहचाने, आज राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को इसका गठन हुआ था और जब से ही हम इसे मनाते चले आ रहे हैं। ये इसकी एक इकाई है, सबलगढ़ में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसके सभी सदस्य हम अपने अधिकारों को पहचानने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों को सभी तरह के अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें पहचानने चाहिए,
जैसे कि हमारा समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, इनके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। लेकिन आज सरकार उनके प्रति कानून बनाती है लेकिन उनका सही से निर्माण नहीं हो पाता, और हमें ज़रूरत है कि उन कानूनों का सही से निर्माण हो और जो इस वंचित है इस चीज़ से उनको ये पूरे मिले, उनको अपने अधिकार अधिकारों की प्राप्ति हो। रैली का उद्देश्य और रैली का उद्देश्य ये है कि सवर्ण के अंदर इसके प्रति जागरूकता पैदा करना। अगर आपको कहीं पुलिस अभिरक्षा में कोई कमी होती है, कोई गलती होती है तो मैं प्रताड़ित किया जाता है, तो वह भी एक मानवाधिकार होगा हनन है, उसके प्रति भी हमें जागरूक। राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा आम जनता को क्या लाभ होंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा जनता को ये लाभ होंगे कि अपने अधिकारों को पहचाने। सबलगढ़ से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। भिड़वाड़ गांव के वार्ड क्रमांक 4 जो कि मुख्य कानन वानन मांगोट मार्ग पर स्थित है, मार्ग पर खरंजा निर्माण, रोड के अलावा वहां घरों के पानी निकासी के लिए नाले निर्माण नहीं होने से घरों का पानी रोड पर आता है। नगर में प्रवेश करते ही वार्ड आरंभ होता है जहां रहवासियों का गंदा पानी मुख्य मार्ग पर फैलता है और गंदगी होती है। गंदगी के कारण मच्छर पनपते हैं और बीमारियां फैलती हैं। घरों का गंदा पानी बहने से आसपास रहने वालों को अक्सर गंदे पानी को लेकर विवाद भी होते हैं। वर्तमान में कानन वानन मांगोट रोड निर्माण प्रगति पर है, किंतु बिड़वाल का मुख्य रोड वार्ड क्रमांक 4 एक तरफ सीसी रोड शोल्डर टूटा क्रेक होने के बावजूद भी निर्माण कंपनी उसे दुरुस्त बता रही है और उक्त टूटे रोड के दोनों तरफ 3-3 फीट चौड़ाई के पेपर सीमेंट घुटके लगा रही है। जब रहवासी रोड की दोनों ओर नाली निर्माण की जानकारी ली तो पता लगा कि पेपर्स लगने पर नाली निर्माण का प्रावधान नहीं है और रोड निर्माण कंपनी नाली नहीं बनाएगी और न ही ग्राम पंचायत निर्माण करने को तैयार है। आज रहवासियों ने ग्राम पंचायत बिड़वाल की सरपंच किरण अशोक पटेल को वार्ड के पंच सुशील मिस्त्री के साथ जाकर वार्ड के नाली निर्माण कराने के लिए ज्ञापन दिया। नाली निर्माण यदि रोड निर्माण कंपनी नहीं करती है तो पंचायत अपने 14वें वित्त आयोग की राशि से करे। वहीं वार्ड क्रमांक 4 में प्रति गुरुवार को साप्ताहिक हाट लगता है जिसमें फल और सब्जी विक्रेता आते हैं और गंदगी वाली जगह बैठने को मजबूर होते हैं। अगर नाली निर्माण हो जाए तो गंदगी नहीं फैलेगी और नगर और सड़क साफ और स्वच्छ रहेगी। बिड़वाल से महेश कटारिया की रिपोर्ट। शनिवार को इंदौर जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष सदाशिव यादव और किसानों ने राजीव गांधी चौराहे पर सद्बुद्धि यज्ञ रखा। वह निःशुल्क वितरण 1600 बोरी आलू के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं तो आलू को सड़ने से पहले जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क आलू वितरण किया गया। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है प्रदेश के किसानों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है और किसान कर्ज के तले दबता जा रहा है, जिससे आज मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या में देश में पहला स्थान पर आ चुका है। उसके बावजूद शिवराज सरकार के 12 साल होने पर शिवराज सरकार जश्न मनाती है। यह आयोजन जीतू पटवारी एवं अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 9। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में वाहन रैली का आयोजन नर्मदा शिप्रा संगम से महादेव मंदिर देवगुराड़िया तक रखा गया। यात्रा में संरक्षक रमेश मैंदोला, संयोजक गोलू शुक्ला, संस्था भगवा राज, अध्यक्ष कपिल ठाकुर, जितेंद्र सिंह, चंदेल मुरली व्यास, अप्पी मीणा यात्रा के दौरान उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 9। नरसिंहपुर स्टेशन गंज थाना पुलिस ने बीते दिवस रविवार को मुखबिर की सूचना पर एक गांव में जुआ पकड़ने गई, लेकिन जुआरी मौके से भाग गए और अपनी बाइक्स मौके पर छोड़ गए। इस पर पुलिस ने बाइक्स को जब्त कर लिया है और मोटरसाइकिल थाने ले आई। स्टेशन गंज थाना प्रभारी रगेश राजपूत ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मगरदा गांव में कुछ जुआरी जुआ खेल रहे हैं। इस पर पुलिस मौके पर गई लेकिन जुआरी पुलिस को दूर से आता देखकर भाग गई। हालांकि इस बीच वह अपनी 4 बाइक छोड़ गई जिन्हें जब्त कर लिया गया है। सूचना मिली थी कि ग्राम मगरदा में कुछ लोग जुए की फंड लगाए हुए हैं। सूचना में तत्काल रेड कार्रवाई की गई क्योंकि उनके कुछ आदमी खड़े रहते हैं जिन्होंने देख के मौके से फरार होते हैं लेकिन अपनी बाइक से वहीं छोड़ के, तो जिन्हें जो है 25 प्लेस एक्ट में जब्त किया गया और श्रीमान वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ऐसी कार्रवाई लगातार स्टेशन में भी जारी रही। तो कुछ और जानकारी प्राप्त हुई क्या? अभी तो खैर जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, जैसी जानकारी होगी तो बड़े स्तर में लगातार मुहिम चलाकर कार्रवाई की जा रही है। नरसिंहपुर से प्रभात ठाकुर की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के 70 साल बाद भी विकास की एक किरण नहीं पहुंची। इस गांव में अभी तक कोई ऐसी पक्की सड़क नहीं है जिससे आसानी से जिला मुख्यालय या बीमार व्यक्ति जिला अस्पताल जा सके। अब इन ग्रामीणों ने सिकंदरा विधानसभा के उपचुनाव में बहिष्कार करने का फैसला लिया है जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के बाद से अब तक न जाने कितनी बार नेता और अधिकारियों की चौखट पर विकास व सड़क बनाए जाने को लेकर गुहार लगाई गई, लेकिन जिला प्रशासन व नेताओं ने आश्वासन की गुट्टी पिलाने की बजाय कुछ भी नहीं किया। कानपुर देहात जनपद का यह उदयपुर गांव, गांव के चारों ओर में से किसी भी तरफ पक्की सड़क नहीं बनी है जिससे वहां आम आदमी आसानी से शहर जा सके। गांव बदहाल, गलियां भी देश की तरक्की की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। गांव की दशा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इन गांव में रहने वाले ग्रामीणों के वोट से सत्ता का स्वाद चखने वाले नीति निर्धारक और उनके हुक्म पर तेज दौड़ लगाने वाले अधिकारियों की निगाह इन गांव में आजादी के 70 साल बाद भी नहीं पहुंची। मैम, सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र गांव पड़ता है उदयपुर, वहां पर लोगों ने वोट न देने का मतलब किया है, बहिष्कार किया है, क्या मामला है? ये इन लोगों की समस्या के बारे में इन्होंने तहसील में आके एक पत्र से अवगत कराया और इन लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान करा के इन लोगों से मतदान कराया जाएगा। किसी भी हालत में किसी प्रकार का बहिष्कार नहीं होने दिया जाए और यदि इनकी किसी योजना के अंतर्गत समस्या का समाधान हो सकता है उन्हें तत्काल निवारण किया जाए। अब क्या समस्या है, क्या मांगे? इनकी बिजली और सड़कों को लेकर जो समस्या है उनको तत्काल अटेंड करा दी। क्या समस्या है आज आप लोगों ने जो वही वोट चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है, वोट को बहिष्कार? यहाँ कोई विकास नहीं है, गांव से सड़क कोई जुड़ी है रोड की? क्या रोड नहीं बना, क्या वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, वादा करके चले जाते हैं, वोट बनवा देंगे चुनाव के बाद। हमारे आसपास कहीं भी रोड नहीं है, स्वतंत्र भारत बोला जाता है लेकिन यहाँ पर आज दिन तक जब बारिश हो जाती है तो इतनी कीच हो जाती है, निकलने की जगह नहीं मिलती। हम लोग जैसे यहाँ पर व्यतीत करते हैं, दिन व्यतीत करते हैं, जैसे अपनी गाड़ियाँ निकालते हैं या अपनी साइकिलें निकालते हैं, हमें लोग जानते हैं, इतनी समस्या है कि बता नहीं सकते। समस्या ये है कि मेरे गाँव की चारों तरफ की सड़कें कच्ची हैं और गाँव की भी कुछ बीच में सड़कें कच्ची हैं। आज हम लोग आज़ादी के 70 साल हो गए हैं और हमारा तो आज़ादी के 70 साल हो गए तो हमारे गांव की अभी भी चारों तरफ की एक एक किलोमीटर कच्ची डामर से कच्ची सड़कें हैं। हम लोग पढ़ने जाते हैं और ये जाते हैं मार्केट जाते हैं और तो फिर हम लोगों को पूरा पैंट समेट लें तब इसके बाद हम दूसरे गांव तक पहुंच पाते हैं। तो हम लोगों की पढ़ने के लिए भी प्रॉब्लम होती है, जब बरसात हो जाए तो मतलब घर पर आना मुश्किल पड़ जाता है, बाहर से घर को जाता है। ये राष्ट्रपति का जिला है, ठीक है, राष्ट्रपति के जिला में ये हालत है। कानपुर देहात से कैमरामैन शहजादी के साथ ब्यूरो चीफ प्रजा मोहम्मद की रिपोर्ट। एक सरपंच ऐसा भी मुरैना जिले के जोरा तहसील की ग्राम पंचायत बगोरा खुर्द के सरपंच पाती राम कोली अपनी ग्राम पंचायत के प्रति सजग रहते हैं, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण कराया और प्रधानमंत्री आवास बनवाए, गलियों में सीमेंटीकरण कराया है। उनकी ग्राम पंचायत सुंदर और स्वच्छ दिखती है, साथ ही वह ग्राम पंचायत में भ्रमण बैटरी चलित रिक्शे से करते हैं। उनके पास निजी साधन नहीं है, एक सीधे साधे सरपंच सभी की बात को सुनते हैं और सभी को समानता का अधिकार और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में अपनी आस्था रखते हैं। ये ग्राम पंचायत बगोरा में जो मकान जो बना हुआ है ये क्या है? प्रधानमंत्री आवास द्वारा बनाया है। प्रधानमंत्री आवास द्वारा पूरा भुगतान हो गया आपका? हाँ, पेंशन मिलती है? हाँ, पेंशन मिलती है। कौन सी योजना से मिलती है? ग्राम पंचायत बगोरा खुद का सरपंच। ये कौन सी जनपद पंचायत के अंदर आते हैं? जोरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपकी पंचायत में कितने शौचालय अभी तक बने हुए हैं? हमारी पंचायत के अंदर स्वच्छ मिशन के आधार पर 90 करीबन बन चुके हैं। और कितने आवास आपके यहाँ बन चुके हैं? हमारे 7 आवास बन चुके हैं। और कितने कार्य प्रगति पर हैं? 2 प्रगति पर। अच्छा, सरपंच साहब आप ये बताएं आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास के बारे में बताएं। मेरे ग्राम पंचायत में पूरी ग्राम पंचायत में आवास बन चुके हैं, जितना टारगेट था और कुछ प्रगति पर। और सीसी रोड भी बन गई है, डीपीआर बन गई है और सीसी रोड भी बन चुकी है। और सुना है हमने आपके पास साधन नहीं है चलने का? हाँ, मेरे पास साधन नहीं है, मैं चल के बैटरी वाली 3 पहिए वाली गाड़ी से उतरा हूँ, अभी इसी से भ्रमण करता रहता हूँ पूरी पंचायत के अंतर्गत। कहना चाहता हूँ
ये सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए और समान शिक्षा होना चाहिए और समान स्कूल होने चाहिए। मुरैना से राजेंद्र सिंह धाकड़ की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित मां बगलामुखी मंदिर में सूर्यमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान अष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें 56 भोग लगाया गया। महाआरती की गई। आरती में बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिक व बाहर से पधारे श्रद्धालु उपस्थित रहे। आरती के बाद भंडारे में भोजन प्रसादी की गई। प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी ओम जी बैरागी के द्वारा हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से पधारे सभी श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं मां बगलामुखी मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महायज्ञ 9 दिवसीय चल रहा है, जो 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलना है। रविवार का छुट्टी का दिन होने के कारण अधिकारियों का भी आवागमन चलता रहा। वर्ष भंडारा चलता है, इस भंडारा गुप्त भंडारा होता है, और इस भंडारे में आज से बगलामुखी मंदिर में जो श्रद्धालु पधारते हैं वो सभी बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और माँ भगवती उनकी सभी की मनोकामना पूरी करती है। हनुमान जी महाराज का जो मंदिर है ये एक बहुत ही बढ़िया मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है। प्राचीन कालीन है और सूर्य को जब ग्रहण कर रहे थे वो ही हनुमान जी प्राचीन कालीन है। हनुमान जी है जो कि सूर्य की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये रामायण जो आप यहाँ पर अखंड रामायण चल रही है जो कि 24 घंटे चलती है। यहाँ पर अखंड रामायण के पश्चात अखंड ज्योत भी है, ये ज्योत भी अखंड चलती है यहाँ पर और अखंड रामायण चलती है। यहाँ माँ बगलामुखी का भी स्थान है। हाँ जी जी, यहाँ पर प्राचीन कालीन विश्व प्रसिद्ध माँ बगलामुखी मंदिर है। माँ बगलामुखी के प्रांगण में अखंड रामायण भी चल रही है और श्री हनुमान जी का मंदिर भी है। ये जो आप देख सकते हो। आगर मालवा से राजेश शर्मा के साथ प्रदीप चौबे की रिपोर्ट। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग नंबर 27 पर अनियंत्रित ट्राले ने राजपाल सिंह तोमर निवासी पवाई खुर्द थाना पाड़ाना डिस्ट्रिक्ट खंडवा को जोरदार टक्कर मारी। घायल पवाई गांव से शाहपुर के लिए निकला था, जिसे कंधे और पांव पर गंभीर चोट आई। शाहपुर और पुरानपुर के बीच आईटीआई कॉलेज के पास ये भीषण हादसा हुआ है, जिसे गंभीर अवस्था में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं ट्रक चालक पकड़ा गया। बीजेपी शाहपुर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने दिखाई तत्परता जिला हॉस्पिटल रेफर कराया गया। यहाँ पर कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, रात दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही रहता है। महीने में आठ एक्सीडेंट्स हुई, लेकिन खबर यहाँ पर छपकी रहती है। फिर भी यहाँ से हमारे सांसद होने के बावजूद, मंत्री होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं ली जा रही है, इसका मुझे बहुत बड़ा खेद है। और हम सभी सोचते हैं इस रोड को फोर लेन बनना ही चाहिए, क्योंकि आए दिन इस तरह के एक्सीडेंट होते ही रहे। बहुत आवाज़ है, लोगों ने रोड भी सेंक्शन हो गया था, बोले चल रहा है काम, चल रहा है, अभी इसका रिपेयर का काम चालू कर दिया है। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है मंत्री महोदय से कि इसको ऊपर ध्यान दिया जाए, ये फोर लेन होने को होना, आवाज़ है बहुत बड़ी है इधर। देखो आप इसके ले लो, आप ये कितनी आपके सामने शाहपुर से आ रहे थे, हमारे सामने टक्कर मारे, वो कंटिन्यू आगे निकल गए। हमको मालूम नहीं वो आगे निकल गया और ये गिरा यार, उठा के रखा वो निकल गया। आपने कुछ गाड़ी का नंबर वगैरह देखा? गाड़ी का नंबर नहीं, हम तो इधर आ रहे हैं, स्पीड था कंटेनर, बहुत ज्यादा स्पीड थी कंटेनर, बहुत फास्ट चलते हैं। बुरहानपुर से राजेश आखोंडे की रिपोर्ट। बर्रा थाना क्षेत्र मर्दनपुर निवासी मोहम्मद लतीफ पिता मोहम्मद मजीद की बेटी सीवा उर्फ साइना 13 वर्ष बीते 2 दिसंबर को अपने घर से कोचिंग जा रही थी, तभी रास्ते में वरुण बिहार पांडू नदी पुल के पास ओमनी वैन ने टक्कर मार दी, जिससे सीवा उर्फ साइना गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची 100 पुलिस ने परिजनों को सूचित किया। पुलिस व परिजन लड़की को लेकर चांदनी नर्सिंग होम में एडमिट कराया। 4 से 5 दिन तक लड़की चांदनी नर्सिंग होम में एडमिट रही। होश न आने पर डॉक्टर ने
जवाब दे दिया। परिजन घबरा कर लड़की को लाला लाजपत राय हेलेट अस्पताल में लेकर आए, तभी भी लड़की को होश नहीं आया। लड़की के पिता मोहम्मद लतीफ का कहना है कि मेरे पास जो भी पूंजी जमा थी लड़की के इलाज में समाप्त हो गई। अब मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, प्रशासन के पास दौड़ भाग की लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली। उधर बर्रा पुलिस का कहना है कि ओमनी वैन के नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और हमारे पास सूचना पहुंची थी 2 तारीख दिन में 4 बजे। 100 नंबर वालों ने भी हमसे फ़ोन किया कि भैया आपकी लड़की कहाँ भर्ती है, लेकिन मैं ड्राइवर हूँ, मैं था एमपी में। मैंने कहा साहब आप भेज लीजिएगा उसको, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी जो है तो क्रिया उसको बचाने की नहीं किया। खाली इन्होंने ये कहा कि हमने बर्रा थाने सूचना दे दिया, मुकदमा लिख दिया। कानपुर से रामपाल शर्मा की रिपोर्ट। शाजापुर और राजगढ़ जिले के 12 गांव में खड़क पाटीदार समाज के लगभग 400 परिवार निवासरत है, जिसमें से इसी समाज के 250 परिवार वालों ने 150 परिवार वालों पर पीढ़ियों से चली आ रही कुप्रथा डायन का आरोप लगाकर उनसे बेटी व्यवहार के साथ ही उनकी महिलाओं के हाथ का बना खाना पक्की रसोई बंद कर दिया है। ये कुप्रथा इस समाज में बरसों से चली आ रही है, लेकिन अब जब नई पढ़ी लिखी पीढ़ी ने ये सब सुना और देखा, खास तौर पर स्कूली छात्राओं ने, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और शनिवार को जिला मुख्यालय शाजापुर आकर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान एवं डिप्टी कलेक्टर कलावती ब्यारे को आवेदन देकर इस कुप्रथा से निजात दिलाने की मांग की, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर कलावती ब्यारे एवं महिला सशक्तिकरण अधिकारी नीलम चौहान ग्राम कड़वाला पहुंची। पुरुष तैयार तो महिलाओं ने साफ मना कर दिया। कड़वाला ग्राम पहुंचने के बाद जहां शिव मंदिर पर पीड़ित पक्ष अधिकारियों को पहले से ही मौजूद मिला, तो वहीं दूसरे पक्ष को गांव के चौकीदार से बुलाया गया, जिस पर सामने वाले पक्ष के पुरुषों ने प्रशासन के सामने उक्त कुप्रथा को धीरे धीरे खत्म करने की बात कही। वहीं कुछ देरी से आई महिलाओं ने अधिकारियों के सामने साफ मना कर दिया और कहा कि हमें आप थाने में बंद कर दे या मार दो, हम इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। डिप्टी कलेक्टर श्रीमती ब्यारे और चौहान मैडम के लाख समझाने के बावजूद भी महिलाओं के नहीं मानने से वहां मौजूद छात्राओं की आंखें नम हो गई। वहीं पीड़ित पक्ष और अधिकारियों ने इस कुप्रथा को सामाजिक तौर पर खत्म करने की बात कही। कल हमारे पास आई थी इस गांव की कुछ महिलाएं कि यहां पे खाने पीने को लेके कुछ समस्या है, महिलाओं का आपसी समस्या है कच्चा पक्का खाने को लेके। इसके लिए आज दोनों पक्षों को बुला के हमने बात करना चाही, पर अभी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तो चूंकि ये 12 गांव की समस्या है, तो वहां पे राजगढ़ एसपी मैडम भी इसके लिए प्रयास कर रही है, तो मैं कलेक्टर एसपी साहब को इस बारे में बताऊंगी और विस्तृत उसमें कुछ रूपरेखा बना के कि 12 गांव में क्या कुछ महापंचायत इस टाइप का कोई प्रयास करेंगे। तो अभी तो हाल फिलहाल ये लोग मानने को तैयार नहीं है, तो कोशिश कर रहे हैं हम, मैं बात करती हूँ। मैम अगर उसके बाद भी अगर नहीं मानते तो प्रशासन किस प्रकार की सख्ती इन लोगों के साथ में करती है? हमें बातचीत से कोई सामाजिक समस्या है, इसमें कोई ऐसा कानून का कोई आईपीसी का या इस प्रकार का कोई अपराध नहीं है। एक सामाजिक है, एक मानसिकता बन गई है लोगों की, जिसको जागरूकता के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम सम्मेलन करते हैं और विभागों को इसमें जोड़ेंगे और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके। आज चर्चा के बाद में आगे क्या कदम आप? मैं अपने सर से बात करूंगी, क्योंकि ये दो जिलों की समस्या है, राजगढ़ में भी ये समस्या है, तो वहाँ पे भी एसपी मैडम अपने यहाँ के एसपी साहब से बात करके कुछ रणनीति। पटेल है ये गांव के, और पूरे गांव के आते हैं, पूरे समाज के आते हैं, 12 गांव के लोग घर घर। अब इन लड़कियों ने सबने पूछ हम कहा गया आपके पास आ रही, हमें केवल समाज आपकी है। मैं बोली आप बिल्कुल समाज की है भाई, हम कैसे कह देखते ना समाज की। इन बोले कि अब हम पढ़ी लिखी हो गई, अब आप होटल का खाने लग गए, आपके घर में हलवाई आने लग गए, बाहर से मेला और लिया इनका का खाना खाने लग गए, और हमारी परंपरा खत्म हो चुकी। अब केवल रात तो है, समाज तो है, लेकिन हमें मान चाहिए। 5 आदमी हमें पुरुष ने क्यों नहीं देती हो? क्योंकि भाई समाज से पूछ लो, अगर 5 आदमी यज्ञ है सब आएंगे, आपको सम्मान सम्मान दे देगा, आप हाथ लगा। करके ये विनती है, जो भी सज्जन व्यक्ति ये न्यूज देख रहा है, जो भी महिलाएं, जो भी व्यक्ति ये न्यूज देख रहा है, वे प्लीज 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 हमारा समर्थन करें इस चीज को लेकर के। ये बहुत ही बेकार प्रथा है, बहुत ही दंडनीय अपराध कर रहे हैं ये लोग, तो प्लीज हमें इसको खत्म करने में हमारा साथ दें। शाजापुर से शाकिर शेख की रिपोर्ट। घोरमा परसिया गांव में 5 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ का आयोजन मुख्य कथावाचक पंडित अखिलेश महाराज व शास्त्री उमेश जी महाराज व समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आरंभ किया गया। कथावाचक अखिलेश महाराज ने जनमानस को भगवान के विवाह का प्रसंग सुनाया तथा झांकी भी निकाली तथा लोगों को अहिंसा, सतमार्ग तथा अच्छे विचार धारण करने के लिए प्रेरित किया। महायज्ञ में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे तथा पवित्र कथा का रसपान किया।
यूपी के बहराइच से श्याम मिश्रा की रिपोर्ट। आगर जिले के तनोड़िया स्थानीय देशभक्त युवा समिति के तत्वाधान में भारतीय सेना में नव चयनित सैनिक नगर के अंकित पाटीदार एवं जितेंद्र प्रजापत व धर्मेंद्र सिंह का संवर्धन करने के लिए नगर के देशभक्त युवाओं द्वारा रविवार को ढोल धमाके के साथ जुलूस निकाला गया। नगर वासियों ने जगह जगह स्वागत किया गया। बालक मिडिल स्कूल में सम्मान एवं विदाई समारोह में गंगा एकेडमी के संचालक उकाल लाल यादव का भी अतिथियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि इस निःशुल्क कोचिंग में अभी तक 91 सिलेक्शन सेना में हुआ है। इस वर्ष 17 सिलेक्शन हुए। गंगा एकेडमी के निःशुल्क सेवा दे रही पालकों ने संचालक श्री यादव सम्मान के साथ आभार भी माना है, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व विधायक लालजी रामजी मालवी व अध्यक्ष पूर्व मंडी उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौर ने की। आगर मालवा से सोनू खान की रिपोर्ट। गोविंद नगर थाना क्षेत्र रतनलाल नगर पुलिस चौकी में दलित महिला की पैरवी में गए भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आनंद राजपाल को रतनलाल नगर चौकी इंचार्ज अच्छेलाल पाल ने जड़ा थप्पड़। आनंद राजपाल की बेटी वार्ड क्रमांक 34 की पार्षद थे। भाजपाइयों ने चौकी पर घेराव करके किया हंगामा। क्या मामला था? किसके पास? कहा कि रास्ता कुछ भी नहीं है, तो मैंने कहा लगता है कि आप कुछ जो है ध्यान से हमारी बात को सुन ले, कुछ गरीब आदमी है और पैसा भी जो मांगा जा रहा है। किया गया आपने उन लोगों चौकी जाना आपके साथ? नहीं, चौकी ने उसके बाद मैंने कहा कि मेरा परिचय आप जान ले, तो उन्होंने मेरा परिचय भी मैंने दिया भी नहीं, तो उन्होंने कहा तुम प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो, तो मैंने कहा कि तुम ये कैसे बात कर रहे हो, तो उन्होंने छूटते ही मुझे थप्पड़ मारी। तो जब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारी तो मैंने अपने बचाव में उनका जब हाथ पकड़ा, तो उसके बाद अंदर 3 सिपाही और थे, फिर उसके बाद उन्होंने जो अच्छे लाल चौकी जाने मुझे दीवार से चिपका करके और पीठ से बिल्कुल 2-3 गुद्दे मार के फिर उन्होंने दरवाजा चौकी का बंद कर दिया। उन तीनों महिलाओं को और मेरे ड्राइवर को बाहर निकाला। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सीधे सीधे उनके लिए मेरा सीधे से उनका निलंबन चाहिए और उनके खिलाफ मैं मुकदमा कायम कराने के बगैर इससे नीचे मैं नौकरी से बर्खास्त चाहता हूं, क्योंकि मेरी बात का गवाह जो है वो तीनों सिपाही भी है, तीनों महिलाएं जिससे पीड़ितों से पैसा मांगा गया, उनसे बाकायदे जिस तरीके से चौकी इंचार्ज का व्यवहार था उसके बाद लगातार वो झूठ बोलता रहा। चौकी इंचार्ज कहाँ है? शायद उसको यहाँ से हटा दिया गया है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। कानपुर से विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दबोली साउथ में हर मिलाप स्कूल के पास आर्यभट्ट पार्क में भूख दूर करेगी भोजन बैंक। कानपुर टीम के द्वारा जरूरतमंद असहाय लोगों को खाना खिलाने व अस्पताल में चाय वितरण का कार्य करती आ रही है। 10 दिसंबर रविवार को 39वां सप्ताह का आयोजन पूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस मुहिम की शुरुआत करने वाले समाज सेवी विकास मिश्रा की पहल से टीम इंचार्ज वीरेंद्र कुमार, संध्या तिवारी, शुभम मिश्रा, आर्यन राणा, के अवस्थी ने बताया कि भूख दूर करेगी बैंक कानपुर टीम की अगला कार्यक्रम हमारा 20 से कानपुर नगर में विशाल कंबल वितरण का कार्यक्रम करने जा रही है, जो कि अंतिम तिथि 30 तारीख तक रहेगी। भूख दूर करेगी भोजन बैंक कानपुर टीम के द्वारा हमेशा जरूरतमंद असहाय लोगों के लिए हर सप्ताह के लिए रविवार को कार्यक्रम आयोजन करती रहेगी। कानपुर से विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Global advertiser for innovative outdoor solutions.